सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आज 6 जनवरी है, सो हम 6 जनवरी में माघ मेला का प्रथम स्नान है आज प्रयागराज में। तो आपको वो एक्सप्लोर कराएंगे और दिखाएंगे संगम प्रयागराज का मेला, माघ मेला। और ठंड इतना ज्यादा है कि हाथ कांप रहा है, फोन पूरा एकदम अच्छे से हो रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको चलिए माघ मेला की बढ़िया से इंजॉय कराएंगे और दिखाएंगे क्या क्या लगा है, क्या व्यवस्था है, क्या है। तो सबसे पहले हम आए हैं चुंगी के पास, चुंगी से जहाँ में माघ मेला में जाया जाता है। अभी यहाँ बोर्ड लगा है, बोर्ड पे मत ध्यान दे, बोर्ड भी देख लीजिए। अभिनंदन वंदन हो रहा है योगी जी की तरफ से। सो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू कर, स्वागत कर रहे हैं योगी जी आप सबका। तो हम लोग आ गए हैं चुंगी पे, चुंगी चौराहे से, और चुंगी सराय से सीधा स्ट्रेट। अगर आप चुंगी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो आपको किसी से पूछ लेगा संगम जाने का मार्ग कहाँ है, तो आपको इस रास्ता स्ट्रेट जाना है सीधा, फिर आगे से टर्न लेना। चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिएगा और थोड़ा आज मस्ती मजाक भी होगा, तो एंजॉय करिएगा आप सब भी। और आज बहुत ठंड भी है इलाहाबाद में, अपने प्रथम स्नान है, पता नहीं कैसे लोग आके स्नान कर लेते हैं, हम लोग तो रह के भी यहाँ नहीं कर पाते हैं मेला कभी स्नान स्नान। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। सो जैसे आप देख रहे हैं 6 जनवरी से आज स्टार्ट है मेला और 18 फरवरी तक रहेगा। सो यहाँ बैनर बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं और कुछ ऐसा नज़ारा होता है ऊपर से अपने संगम प्रयागराज का, पूरे माघ मेले का सीन ऐसा ही रहता है, बहुत खूबसूरत। इस रास्ते से चुंगी से होते हुए और ये जाने का रास्ता है, सिर्फ मेले के टाइम होता है ऐसा, नॉर्मल डे नहीं होता है। तो ये जाने का रास्ता है और उधर से वो घूमकर आने का रास्ता है। तो हम लोग रहते हैं यहीं पे, तो हम लोग से अच्छा नहीं बता पाएगा कोई आपको। और ये ऐसा मेले में इसलिए किया जाता है क्योंकि इतने ट्रैफिक हो जाती है, इतने लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं मेले में, तो ट्रैफिक जाम ना हो और लोग फंसे ना, इसलिए इस तरह लाखों लोग आते हैं स्नान करने, क्योंकि लाखों लोगों को संभालना इतना मुश्किल है, इसीलिए अलग अलग रूट बना गया रोड का। एक रास्ते से जाना वाला है, एक रास्ते से आने वाला, तो हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उधर से आएंगे बहुत टाइम बाद, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत बड़ी बनानी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चुके हैं मेले के अंदर और यहाँ से परेड ग्राउंड है, यहीं से मेला स्टार्ट होता है चुंगी से, नियर बाय चुंगी परेड ग्राउंड। सो यहीं से मेला स्टार्ट होता है और हमारे पीछे देख सकते हैं आप टेंट ही टेंट दिख रहे हैं, जो कि क्लब आसी होते हैं यहाँ पे आके रहते हैं मेले में, और जब तक मेला रहता है तब तक यहाँ रहते हैं वो सब। देख सकते हैं हजारों टेंट यहाँ पे बने हुए हैं दूर दूर। देख सकते हैं आप यहाँ चारों तरफ टेंट ही टेंट है, हजारों टेंट है। हम लोग टेंट के अंदर जा रहे हैं भाई, सभी लोग नहीं जा सकते, आई एम वीआईपी पर्सन बेबी। वीआईपी पर्सन ऐसा ना, कोई काम नहीं, आप भी रह सकते हैं, आप आके क्लब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब बाहरी लोग के लिए रह के आके रहने के लिए बना है, जो दूर दूर से आते हैं रहने के लिए, उनको लोगों के लिए बनाया गया है। अभी रह रहे हैं यहाँ पे, देखिए फुल व्यवस्था टाइट, इनकी भी यहाँ पे भी कैंप लगा रहे हैं। ओ मेरी, हमारों को मिलेगा खाना वाना खा के नहीं आए। और तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं, पूरे मेले रियलिटी है, और अगर आप चाहें रहना इस तरह तो रह भी सकते हैं। ये रियलिटी ये है कि आप मेले में रह सकते हैं बिना एक रुपए खर्चा किए, क्योंकि यहाँ पे हर 10 कदम पे भंडारा होता है, सुबह शाम भंडारा होता रहता है, दिन भर भंडारा होता है, और रहने के लिए कैंप है सबके लिए फ्री, और जो क्लब वासी हैं सब वहाँ भी रह सकते हैं आप, और पानी की अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम की अच्छी व्यवस्था है, तो आप पूरे मेले 1 करोड़ रुपये बिना खर्च किए रह सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे रह रहे हैं। और रही बात, तो मेले में हर चीज़ सुविधा मिलती है आपको, सब्जी फल और जितने भी आइटम्स होते हैं जैसे कि डेली यूज़ के लिए, वो मिल जाएगा वो मेले के अंदर ही, आपको मेले से बाहर जाकर नहीं लेना पड़ेगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ होंगी जो नहीं होंगी मेले में, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये बात रियलिटी है, ये रियलिटी की आप रह सकते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए मेले, पूरे मेले सकते हैं आप। कितना बड़ा पार्किंग बनाया गया है दो पूरा, तो सोच सकते हैं आप कितने श्रद्धालु आएंगे और आने वाले हैं पूरे मेले में, लाखों के क्वांटिटी में आएगा। ये पीछे मेला भी लगा है, छोटा सा झूला, छोटा सा नहीं बड़ा है, झूला लगा है बच्चों के लिए। बच्चे नहीं झूलते हैं, बड़े झूलते हैं, बहुत झूठ बोल रहा है लड़का। अब बड़े भी झूल सकते हैं, बच्चे भी झूल सकते हैं, आखिर हम लोग तो बच्चे ही हैं। तैयारी हो रही है, झूले वूले लगाए जा रहे हैं, तो अभी तैयारी हो रही है, झूले लगाए जा रहे हैं और कुछ लग भी चुके हैं, और अभी यहाँ पे पूरा स्टॉल लगेगा, यहाँ पे खूब अच्छा सा स्टॉल लगता है, सब दुकानें लगती हैं अच्छी अच्छी। सो और ये कुछ दिन के लिए रहता है, जब तक मेला है तब तक ये भी रहेगा झूला वाला, तो अगर आप आइएगा तो। मेला है
भैया बहुत मन कर रहा है झूलने का। झूलना है भैया? झूला दो भैया, 500 रुपए हम झूला दो। नहीं 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 लोग गुलशन। अरे भैया भैया मन नहीं झूलेगा भैया, डर लग रहा है सर, इतना ऊपर घूम रहा है कि हमारी हालत खराब हो जा रही है, मैं नहीं भैया। मचा लो, हम लोग मेले में एंट्री किए थे, हम लोगों को खाने के लिए दिख गया आइटम कचौड़ी चौड़ी, पूरी व्यवस्था यहाँ पे है खाने पीने की, आप खा पी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आ रहे हैं अभी चुंगी साइड से, और ये रास्ता टर्न होता है इधर, सीधे संगम को जाता है, और इधर अगर आप राइट साइड मुड़ेंगे चुंगी साइड तो आपको लेटा हनुमान जी का रास्ता मिलेगा, जो कि लेटा हनुमान जी का मंदिर आगे। सो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पे अगर आप कभी इलाहाबाद आइए, संगम मस्त है आपको और लेटा हनुमान जी, पर आप यहाँ संगम नहीं आए तो फिर कहीं नहीं आए इलाहाबाद। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको। आगे उधर से लेटा हनुमान जी की साइड, जिनको बड़े हनुमान जी बोलते हैं, और ये मंदिर है शिव जी का, ये भी बहुत फेमस मंदिर है इलाहाबाद में। हमारे सामने आ गए मंदिर श्री लेटा हनुमान जी का, इनका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा जाके। आप बजरंग बली का मंदिर है श्री बड़े हनुमान जी, जिनको लेटा हनुमान जी भी बोलते हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे, और हर मंगल को भीड़ रहती है, हर मंगल शनिवार को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, और जो इलाहाबाद आता है यहाँ जरूर आता है, और संगम भी जरूर जाता है स्नान करके यहाँ पे आता है। हाँ, यहाँ पे श्री जानकी जी का मंदिर है, श्री राम जानकी जी का, और इसके ही जस्ट बगल में वो आप पीछे देख सकते हैं वो किला है अकबर का, जिसको अकबर फोर्ट बोलते हैं, अकबर का किला, ज़रूर आइएगा एक्सप्लोर करिएगा आप भी। तो ये भंडारा हो रहा है जैसे आपको बताया था अभी, यहाँ पर भी होगा और अंदर भी बहुत मिलेगा आपको पूरे मेले में। पीछे से आ रहे हैं अभी लेटे हनुमान जी के पास से, और हम लोग चल रहे हैं अभी मंदिर में, हम लोग नहीं गए हैं मंदिर में, जाएंगे बट थोड़ा घाट पर से आए हाथ मुंह धुल लें, फिर उसके बाद मंदिर में जाओगे, टाइम लग जाएगा बहुत, वीडियो नहीं बन पाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिलहाल बाहर से ही घूम लेते हैं, आज मंगलवार को आएंगे मंदिर। मंदिर में आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और अभी चलते हैं संगम साइड, संगम की तरफ, और तो फिर चलिए चलते हैं। और हम लोग आ चुके हैं संगम, संगम के पास, और यहाँ भी देख सकते हैं आप पीछे भंडारा हो रहा है, तो हर जगह ऐसे ही भंडारा लगता रहता है। और हमारे सामने अकबर फोर्ट, अकबर का किला, और ये संगम। राम प्रताप बारा, ग्राम खाला रामपुर, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में रहने वाले आप मेरा, जैसे कि बताया था आप फ्री में रह सकते हैं, खा सकते हैं, थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन मिलेगा जरूर आपको, देख सकते थे आप पीछे कितनी लंबी लाइन थी। चलिए चलते हैं आपको, अब बहुत खूबसूरत पीछे सब व्यू है दिखाते हैं आपको। आपको बोला था फल सब्जी सब मिलता है मेले के अंदर, तो आपको यहाँ सब अवेलेबल है, चाय नाश्ते के इंतजाम भी यहाँ सब, कोई चीज़ की कमी नहीं ब्रो। यहाँ भी भोजनालय है, भोजनालय मीन्स जहाँ भोजन कर सकते हैं पैसा दे के, ना कि फ्री में, हर चीज़ फ्री में नहीं है, व्यवस्था अलग है। वो देखिए भीड़ किधर चला जाए, किधर चला जाए, इधर चला जाए, और आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था अच्छी है, पूरे संगम एरिया में जस्ट आपको एकदम सामने ही मिल जाएगा, और कपड़ा चेंज करने की व्यवस्था है, क्योंकि हमें हवा भी चल रही है, सो दिक्कत होगी ऐसे सब खुले में कपड़ा चेंज करने की, बहुत ठंड है यहाँ पे, सो व्यवस्था भी अभी आपको दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए कुछ ताज़ा गर्म पानी इधर से आता है, नल लगे हुए हैं यहाँ पे, पानी भी आ रहा है बराबर, टॉयलेट पूरा। और हमारे सामने है संगम, ये है कपड़ा चेंज करने के लिए,
लेडीज़ को कपड़ा चेंज करने में जो दिक्कत होती थी पहले, अब यहाँ नहीं है, सुना इंतज़ाम अच्छा है, नज़ारा भाई, धूप हल्की हल्की, हल्की हल्की हवा, मीठी मीठी ठंड, प्रयागराज की और प्रयागराज संगम, मस्त। क्या फील है, शायद ही आपको ऐसा फील हो रहा होगा वीडियो देख के, बट आप जब यहाँ आएंगे ना तो हल्की हवा चल रही है, मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जरूर आइएगा संगम प्रयागराज, प्रयागराज आएगा तो संगम जरूर आएगा, मस्त एकदम यार। अब भाई लोग मिल गए, इनका भी सबका यूट्यूब चैनल है। हाँ भाई, इंस्टाग्राम पे प्रयागराज हर्ट ऑफ यूपी ऑफिशियल नाम पे देख सकते हो। अगर आप प्रयागराज को दिलों को थामना चाहते हो तो इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब प्रयागराज धड़कता है ना तो इंस्टा आईडी इनका फैल जाता है, जाता है। भैया ड्रोन शॉट देते हैं, मतलब नैनी ब्रिज का अगर आपको एक इंच देखना हो ना तो भैया के ड्रोन शॉट आप देख सकते हो। बिल्कुल, भैया को जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, भैया मेरा कमलनाथ ब्लॉग है, आप जाके देख सकते हो जिस तरीके से मैं फनी। आप बालों पे ध्यान मत दीजिएगा, बालों पर ध्यान मत दीजिए, हमारी टोपी पर ध्यान दीजिएगा। तो बस यार ये देख सकते हो जिस तरीके का व्यू इधर है आप, लेकिन आप नाव चला रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये नाच लेते हैं शादी ब्याह में, शादी ब्याह में सारे भाई जाते हो, शादी ब्याह में ऐसा नाचते हैं, दिमाग फेल हो जाता है, पहले इसको भगाओ शादी से, तो इसी की शादी करवा देंगे हम। तो भाई देख सकते हो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, अरे हंसिएगा, बस मिलता हूँ फिर आगे, और आगे से मिलेंगे। भाई अब कुछ आवाजें नहीं निकल पा रही है, इंग्लिश जान भी नहीं करते हैं ज्यादा, भाई को इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैम यू नो हिंदी? नो, ओनली इंग्लिश। मस्त नज़ारा मिल रहा है देखने को यहाँ पे संगम में अपने। ये सब साइबेरियन बर्ड्स हैं, ये सब आते हैं साल में एक बार जब ठंड आती है प्रयागराज में, तो ये संगम में आते हैं सब। अभी ब्लॉगर हैं तो कासन भाई हमारे प्रयागराज के सुपरस्टार, ब्लॉगर ही ब्लॉगर मिल रहे हैं। आज चुके हैं संगम के बिल्कुल छोर पर, संगम के किनारे, और यहाँ स्नान कर रहे हैं सब। और आज गंगा जी का बहाव भी बहुत तेज है, और ये पीपा पुल है लास्ट वाला, मे भी ये पीपा नंबर 3 है, बहाव बहुत तेज आज देख सकते हैं। भाई सब लिटरली यार बहुत ठंड है यार यहाँ पे, आज बहुत ठंड है आज। So, मेरे बाल को ज्यादा ध्यान से मत देखिएगा, इग्नोर करिएगा मेरे बाल को भाई, इतना ठंडी है और ठंड तो लग रही है। तो चलते हैं चाय पीते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है, फिर आपको आगे वीडियो बढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम लोग
लोग आ चुके हैं अभी संगम से और हम लोग इस टाइम खड़े हैं अकबर फोर्ट के पास और हम लोग यहाँ सोचे थोड़ा चाय पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बनाया नहीं जा रहा वीडियो, तो फिर मिलते हैं आपको अभी आगे, पहले चाय वाय पी लें उसके बाद। बहुत ही बड़ा किला है अकबर का है। हम लोग वापस आ चुके हैं बड़े हनुमान जी के पास। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो अब चलते हैं घर की तरफ और शाम हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय। सकते हैं आप ऑडी BMW मर्सिडीज सब मिल जाएगी, सब तरह की गाड़ी मिल जाएगी।